हेलो फ्रेंड्स, आपका स्टडी आई क्यू में स्वागत है। आज आपके लिए मैं बताने वाला हूं कि बीएसटीसी परीक्षा 2019 किस जिले में कितने फॉर्म भरने में आए। टोटल फॉर्म भरने में आए आपके 7,50,000 प्लस फॉर्म भरने में आए। ऑफिशियल डाटा है जो कि आपको मैं बताने वाला हूं। किस कॉलेज में कम कट ऑफ जा सकती है, किस में ज़्यादा जा सकती है, इससे आप आइडिया लगा सकते हो। आपको पता चलेगा कि किस जिले में कितने फॉर्म भरने में आए। यदि ज़्यादा फॉर्म भरने आएगा उस कॉलेज, वहाँ कितनी कॉलेज आवंटित की गई है, तो आपको मैं लिस्ट भी बताऊंगा कि कॉलेज किस कॉलेज जिले में कितनी कॉलेज हैं, उससे पता चलेगा कि आपको कट ऑफ किस जगह ज़्यादा जा सकती है। तो आपको मैं बताता हूँ ऑफिशियल डाटा। तो चलते हैं, अपन पूरी जानकारी जान लेते हैं। तो अपन बात करते हैं किस जिले में कितने फॉर्म भरने में आए। यहाँ पर है अजमेर, अजमेर में आए 23,000 फॉर्म भरने में आए हैं। तो आपको ये देख लिया 23,000 फॉर्म है। बात करते हैं अलवर की 41,000, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 27,000 फॉर्म। बार देख पा रहे होंगे 28,000 फॉर्म। भरतपुर से 39,000, भीलवाड़ा से 22,000, बीकानेर से 23,000। तो आप देख सकते हो अलग अलग जगह से कितने फॉर्म भरने में आए। बूंदी से 13,000, चित्तौड़गढ़ से 9,800, चूरू से 15,000, डूंगरपुर से 33,000। यानी कि सबसे ज़्यादा फॉर्म भरने में कहाँ पर आए हैं, जयपुर की बात करते हैं। जयपुर में सबसे ज़्यादा फॉर्म है, जो कि आप देख सकते हो बिल्कुल यहाँ पर खतरा नज़र आ रहा है कि जिसने भी फॉर्म भरा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली है। 58,496 फॉर्म यहाँ पर, जो कि बिल्कुल हाईएस्ट है। बात करते हैं सबसे कम जैसलमेर में 6,582 फॉर्म है। जालौर की बात करते हैं 10,000, झुंझुनू की बात करते हैं 11,000, झालावाड़ की 17,000, जोधपुर की 36,000, कोटा की 20,000, नागपुर 18,000 फॉर्म। उसके बाद बात करते हैं सवाईमाधोपुर 12,000, सीकर 12,000, सिरोही 8,692, श्रीगंगानगर 19,000, टोंक की बात करते हैं 24,000। उसके बाद है सेकेंड नंबर में उदयपुर में सबसे ज़्यादा फॉर्म है जयपुर के बाद, जो कि 41,000 है। धौलपुर की 19,000, दौसा 28,000, बारह हज़ार, राजसमंदी 7,826। बात करते हैं हनुमानगढ़ की 19,000, करौली की 19,000, प्रतापगढ़ की 12,000। यानी कि टोटल फॉर्म भरने में आए आपके 7,18,000। इसके बाद एक दिन और ओपन हुई थी आपकी, तो उसमें कितने फॉर्म भरने में आए ये देख सकते हो। सीट है टोटल अप्लाइड फॉर्म देख सकते हो आप 6,50,000 हो गए थे जिस दिन, पर टोटल फॉर्म भरने में आए 7,50,000। एक दिन और ओपन हुई थी, टोटल सीटें अवेलेबल है यहाँ पर 22,000। तो आप किस किस का नंबर आएगा इस हिसाब से आएगा दोस्तों। तो ये आप देख सकते हो पिछले ईयर की कट ऑफ ये थी दोस्तों, मैंने कट ऑफ जैसे वीडियो बना दी है। टोटल फॉर्म भरने में आए फिर 7,70,000, 7,70,000 टोटल फॉर्म भरने में आ गए, क्योंकि एक दिन फिर ओपन हुई थी वो आपको पता चल गया होगा। टोटल सीट है, नंबर ऑफ सीट 20,000। तो यहाँ पर आपको फॉर्म भर देना है, भर दिया है, उसके बाद आपको ऑफिशियल डाटा मिल गया है। यानी कि सीटें 22 से 20,000 के लगभग, 20 से 22,000 के लगभग, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी जानकारी मिल गई आपको। आशा करते हैं जो मैंने जानकारी दी आपके लिए कि सीटें कितनी हैं, किस किस जिले में से कितने फॉर्म भरने में आए, तो ये आपके लिए ऑफिशियल डाटा है। इस हिसाब से मैं बताऊँगा किस जिले में कितनी कॉलेजेज है, तो आपको उससे पता चल जाएगा कि कहाँ से कट ऑफ कम जा सकती है, वहाँ से आपको काउंसलिंग करवानी है। सबसे पहले वो जिला चॉइस करना है, तो आपको मैं बताऊँगा ऑफिशियल डाटा कल। तो अगली वीडियो जरूर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, अगली वीडियो मिलते हैं, टेक केयर। आपने कट ऑफ की वीडियो नहीं देखी बीएसटीसी की, तो वो जरूर देख ले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बीएसटीसी की आंसर की नहीं देखी आपने, रीजनिंग मैथ और राजस्थान जीके सभी की, तो आप जरूर देख लीजिए, इंग्लिश की सभी की, सबसे सटीक कट ऑफ की वीडियो और सबसे सटीक आंसर की हमारे चैनल द्वारा दी गई है, जो कि आप देख सकते हो 1,00,000 व्यू आ गए हैं आप देख सकते हो रीजनिंग की वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।